हेलो वेलकम बैक यू ब्यूटीफुल पीपल। तो आज एक संडे का राइड है और एक और रोड ट्रिप पे निकल पड़ा हूँ मैं, और मेरे साथ है देख सकते हैं पार्थ एंड पीछे ओमकार है खड़े। आज का जो प्लान है दमन जाने की, हम लोग निकल पड़े थे अराउंड 7 o'clock मुंबई से, लगभग 7:15 के आसपास निकल पड़े थे। एंड सोचेंगे अभी शायद रुकेंगे, कहाँ पे रुकना है, दत्ता स्नैक्स, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे। रोड ट्रिप में चाय का अलग ही मजा होता है, और फिर आगे मैं आपको और भी बताऊंगा क्या क्या पूरे दिन में आप प्लान करने वाले हम लोग। तो टिल देन सी यू, रोड पे मिलते हैं दोस्तों। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग ने प्लान बनाया रुकने के लिए श्री दत्ता स्नैक्स के। ये टूवर्ड्स धानु एंड गुजरात हाईवे पे आपको मिलेगा, और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी, और काफ़ी ऑथेंटिकेट हेल्दी और हाइजीनिक फूड सर्व होता है और काफ़ी टेस्टी था। तो बट देन प्राइजेस भी देख सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस थे, बहुत सही लोकेशन था, ऑन द वे पड़ता है। अगर जाएंगे तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ये लोकेशन और ये प्लेस को। कुछ ऑल राइट, तो कुछ सिनेमैटिक शॉट जो आपको दिखा है वो आपको पसंद आया होगा, आई होप करता हूँ मैं। तो अभी लगभग 9:30 है एंड हम लोग 7:30 निकले थे कुछ ब्रेकफास्ट के लिए, 10 स्नैक्स में रुके थे, और देख सकते हैं आपने वीडियो देख लिया होगा, क्लिप डाला था मैंने। और अभी निकल पड़े हैं, और अभी अराउंड 80 या 90 किलोमीटर का और रास्ता है आगे। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं जम्पोरी बीच ना, एंड वहाँ पे थोड़ा जगह एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ पे एक फोर्ट भी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। एंड उसके बाद एक थोड़ा एक फैक्ट्री जाना है इसके, तो वो भी देख लेंगे क्या है। एंड और आगे भी और मज़ा आने वाला है दोस्तों। और देख सकते हैं वेदर दिख रहा है आपको, एकदम लाइट सनी डे है यहाँ पे, और बिल्कुल बारिश भी नहीं है, तो एकदम परफेक्ट वेदर है। कुछ और सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा मैं, वो देख लेगा, तब तक मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आ गया हूँ जम्पोरी बीच में, और यहाँ पे लगभग ये जो बीच है वो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। वापसी से देखेंगे तो मैं आऊँ मुंबई से तो लगभग 130 किलोमीटर पड़ता है मुंबई से, और देख सकते हैं कैमल राइड्स और हॉर्स राइड भी आपको देखने मिलेंगे। और देख सकते हैं मेरे गैंग दो जन है मेरे साथ, और ये बीच है, इसमें ज़्यादा जन आपको दिखेंगे नहीं, बहुत ही कम क्राउड है यहाँ पे। बट अभी टाइम जो है देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 11:30 है, तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आने की कोशिश कर रहा था मैं, 11:00 का टाइम है, धूप भी बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट वेदर है यहाँ पे बीच में एंजॉय करने के लिए। देख सकते हैं क्राउड आप देखेंगे यहाँ पे, दमन जो है वो यूनियन टेरिटरी आता है, और नॉट ओनली बीचेस बट बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन है आपको देखने को मिलेंगे। बस ये फर्स्ट लोकेशन है बीच का, जो कि जम्पोर बीच है, और यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ मिलेगी, बट ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे फ़िलहाल तो सिर्फ कैमल राइड एंड हॉर्स राइडिंग अवेलेबल थी। एकदम परफेक्ट वेदर कंडीशन है, और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन आपको जेट्टी से ये लगभग 5 किलोमीटर पे पड़ता है, और यहाँ पे देख सकते हैं बीच काफ़ी सही है, हालांकि क्लीनेस्ट बीच तो नहीं है। और अपने गैंग ओह
ठंडे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमें। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ नानी दमन फोर्ट में। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है जेरोम बीच से लगभग 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे आता है। और यहाँ पे एक साइट सीइंग कर सकते हैं, काफ़ी सेरेनिटी एंड पीसफुल व्यू है। और ये जो एंट्री फ़ी है इसकी फ्री है, एज सच कोई एंट्री फ़ी नहीं लगती। और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे साइट सीइंग आप कर सकते हैं, साथ ही साथ एक सामने देख सकते हैं जेरोम फोर्ट आता है, और बाजू में ही एडजॉइनिंग इसके स्कूल है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने व्यू दिखाया है जो रिवर है नानी दमन एंड मोती दमन फोर्ट को डिवाइड करती है। और उस दिन जो कि मोती दमन भी जाना था, बट देन ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन वो लोकेशन था वो बंद था। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये जो फोर्ट है वो नानी दमन है, और यहाँ पे देख सकते हैं दमन गंगा रिवर, और ये डिवाइड करता है मोती दमन फोर्ट को जो कि वहाँ पे है। बट हम लोग को एंट्री नहीं मिली तो हम लोग डायरेक्टली आ गए नानी दमन, और वो जो है वो बड़ा फोर्ट है, और यहाँ पे जो आता है वो छोटा फोर्ट है। और देख सकते हैं ये दमन गंगा रिवर है उसको ये डिवाइड करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फोर्ट जो है वो ओपन फोर्ट है, और काइंड ऑफ आपको एक वॉक करने के लिए एक ट्रेल मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और सामने अगर देखूँगा तो एक हाई स्कूल है, और ये बाजू में ही जो चर्च है जो कि नानी दमन फोर्ट के अंदर ही आता है। जो है वो बंद है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खाली है, एज सच कोई आता नहीं है। बट सीन जो है आपको मिलेगा, एक अच्छा सा सीन मिलेगा देखने को। कुछ टाइम के लिए आप रुक सकते हैं यहाँ पे, एंड देन मूव ऑन हो सकते हैं कोई दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। बारिश की जो बूंदाबांदी है वो रुक चुकी थी, इसके लिए आपको पानी जो है देख सकते हैं ब्राउन दिख रहा है। और पूरा दिन एग्जॉस्ट होने के बाद हम लोग ने प्लान किया कि लंच किया जाए। तो यहाँ पे आपको दमन में बहुत सारे अच्छे रीजनेबल रेट पर रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो हम लोग ने वन ऑफ द रेस्टोरेंट में गए थे। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ द्वारका बीच में, और ये फाइनल लोकेशन है आज की ट्रिप का। ब्लैकस्टोन बीच भी कहते हैं क्योंकि जिसकी जो मिट्टी है वो ब्लैक में है, देख सकते हैं बीच है, काइंड ऑफ ब्लैक स्टोन बीच है। और रॉक देख सकते हैं आपको साइड में, और अभी लगभग 5 बज चुके हैं। और तो आज की जो रोड ट्रिप है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, देवका बीच में। काफ़ी एक्सप्लोरिंग जगह है दमन एज अ प्लेस, और बहुत सारे ब्यूटीफुल हिस्टोरिक एज वेल एज बीच लोकेशन आपको मिलेंगे, और बीच साइड में एंजॉय करने का अलग ही मज़ा होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको मिलता हूँ मैं कोई और रोड ट्रिप पे, टिल देन सी यू। Do, we're trying to play.